स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहला जो प्राणायाम करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो राइट हैंड रेज करेंगे और अपना राइट जो थंब है उसको राइट नोशल्स पे रखेंगे और लेफ्ट नोशल से हम सांस लेंगे और देन उसके बाद उसको रिलीज कर देंगे राइट से। ओके, इस तरह से हम 5 to 7 टाइम्स करेंगे। पहले हमने राइट से करा, अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। तो जो अपना लेफ्ट थंब है वो लेफ्ट नोशल्स में रखेंगे और राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय तीन बातें आप ध्यान रखें। पहला, एक तो मूवमेंट ना करें बॉडी का और डीप ब्रेथ लें, पूरा इनहेल करें और कंप्लीट जो है वो एक्सहेल करें। और विशेष ध्यान रखें कि अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको करना है, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है मिनिमम 5 times और मैक्सिमम जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। सेकेंड हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम आपको पता है, जो थंब है हम अपने ईयर पर रखेंगे और इंडेक्स फिंगर ऊपर और बाकी फिंगर जो हैं इस तरह से रखेंगे और अपने गले से जैसे भंवरा गुंजन करता है तो ऐसे हमें जो है अपने गले से साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो ये सेकंड जो हमने किया है प्राणायाम, इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। और थर्ड जो है अब हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति आपको पता है, तो कपालभाति जब करें तो अपनी जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग करें। आप मिनिमम आप 10 sets बना सकते हैं। 10 sets जो है आप स्टार्टिंग यदि आप कर रहे हैं तो 2 to 3 times कर सकते हैं और यदि आप एडवांस लेवल पर हैं तो आप जो है 50 का भी एक सेट रख सकते हैं। तो सेट मतलब यह हुआ कि आपने जब कपालभाति प्राणायाम करना है तो तेजी से जो है पेट को अंदर बाहर लेके जाना है और पेट को अंदर लेके जाना और बाहर लेके आना, ये 1 process है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप ध्यान रखें कि बैकबोन अपनी स्ट्रेट रखें और स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 20 का सेट किया, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। तो आज हमने जो 3 प्राणायाम का अभ्यास किया उसमें सबसे पहला है अनुलोम विलोम, सेकंड भ्रामरी प्राणायाम और थर्ड हमने किया
कपालभाति प्राणायाम। तो आज के बस इतना ही, धन्यवाद।